So hello everyone, this is Dr. Kashish Grover, your PSM faculty at DAMS. Today I have a very special guest, Dr. Aman. So as you all know, today we got FMG result. Dr. Aman secured 175 marks and I'm very proud of you, Dr. Aman. Heartiest congratulations to you and your family. So bachche, kaisa lag raha hai? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर. मेरे को ये फीलिंग काफी अच्छी है. मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट में करना, अच्छा स्कोर लाना, मेरे लिए काफी अच्छी फीलिंग रही. मेरे लिए मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे आई विल पास दिस एग्जाम नाइसली, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे मार्क्स इतने अच्छे मिल जाएंगे. तो अभी फीलिंग काफी अच्छी है सुबह से, मतलब जब से रिजल्ट आया, मतलब थोड़ा एक हार्ट में वो सेरोटोनिन वाला अंदर है कि खुशी हो रही है. मतलब कि यू हैव अचीव समथिंग, you have done the like hard work from last 6 months, so you have achieved something, you have earned something, वेरी तो गुड, काफी वेरी अच्छा गुड. लग रहा है अभी. यस यस. सो वंस अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो डॉक्टर अमन, यू वर ऑफलाइन स्टूडेंट एट गौतम नगर सेंटर, यस सर. राइट? सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस अबाउट द क्लासेस कंडक्टेड ऑफलाइन एट डैम्स गौतम नगर? सर एक्चुअली for like my experience taking the offline classes is much more helpful than taking it online, because even like with every teacher you have some like firstly there is a like you have a proper schedule. If you have some like offline classes, you have a schedule, you have to go, you'll have to sit and you'll have to study. That is very important for like if you are having a proper schedule, that's very important for studying. So offline classes is much better than taking like from the live recorded. So better to take offline, go there and sit and study. That's more better. Like it's my opinion. यस यस, दैट इज ट्रू डॉक्टर अमन. ऑफलाइन क्लासेस में हमें थोड़ा सा एक तो डिसिप्लिन मिलता है, हमारे सामने टीचर होता है, वो पढ़ रहे हैं, थोड़ा मोटिवेशन भी रहता है हमारे पास. तो डॉक्टर अमन, यू ऑल्सो अटेंड डीएफएक्स. यस सर. सो हाउ हाउ व्हाट डू यू थिंक डीएफएक्स ने कैसे आपकी इस जर्नी में मदद करी आपको? बिकॉज हमने वो एक सब्जेक्ट को पूरा एक दिन दिया डेडिकेशन के साथ, एक फैकल्टी के साथ हमने एक वर्कबुक प्रोवाइड किया आपको जो कि बहुत कंसाइज था. व्हाट वॉज योर एक्सपीरियंस डॉक्टर अमन? सर डीएफएक्स मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि समराइजिंग लाइक इवन कोई भी सब्जेक्ट ले लिया, अगर उसका उसको काफी समराइज करके लास्ट में दिया गया था, तो जब हमने डीएफएक्स पढ़ा तो मेरे माइंड में यही था कि इसको अभी अच्छे से सुनना है. फिर जब हमारा लास्ट का जो 1 month था रिविजन के लिए, तो मुझे डीएफएक्स को ऐसा प्लान करना था कि लास्ट में सिर्फ मैं डीएफएक्स की बुक्स उठाऊं और अपने मेन वर्कबुक से पढ़ूंगा, लास्ट में जो कुछ टाइम बचेगा उसको मुझे बस डीएफएक्स को देना है. और उस टाइम फायदा क्या था, जो वर्कबुक से सब पढ़ लिया था हमने, तो उससे एटलीस्ट सब कंसेप्ट से सब थे, पर कुछ चीजें जो डीएफएक्स में थी वो ये हैं जो तुम लाइक जो बहुत जल्दी एवेपोरेट होंगी ब्रेन से, तुमने अभी पढ़ी है कल एवेपोरेट हो जाएंगी. तो लास्ट में पढ़ने का फायदा क्या था, वो फ्रेश माइंड में ग्रैप करके हम पेपर में जाके दे पाए, उससे काफी हेल्प हुई पेपर में कि चीजें रिकॉल हो रही थी जो चीजें भूल सकते थे हम हाँ डीएफएक्स जी, वाले टॉपिक से. एग्जैक्टली. डीएफएक्स वॉज समथिंग जो आप बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं, बहुत वॉलेटाइल और बहुत हाई यील्डिंग ही है, ताकि वो जो यस पकड़ है ना उन टॉपिक्स की, वो आपके माइंड में बनी रहे, राइट? यस एम आई राइट डॉक्टर अमन? यस सर ओके. एब्सोल्युटली. सो डॉक्टर अमन, इन योर जर्नी, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई वॉन्ट टू से वी आर वेरी थैंकफुल टू बी अ स्मॉल पार्ट इन योर बिग जर्नी. सो वी आर मोर ग्रेटफुल कि मैं डैम से पढ़ा, और मुझे काफी प्राउड है कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया. डैम्स की जो भी फैकल्टी थी, एवरी एंड ईच फैकल्टी वाज सुपर्ब. और नॉट दे आर लाइक इट्स नॉट लाइक दे आर ओनली टीचर्स, दे आर मोर ओवर लाइक फैमिली इन द डैम्स. They treat you as a family. They'll help you in every way possible. If you even any problem, you go and ask them. They will help you. Every faculty, any faculty. तो डॉक्टर अमन, एनी स्पेशल मैसेज फॉर एनी स्पेशल फैकल्टी अकॉर्डिंग टू यू? सर आपका आपके लिए तो मेरा मतलब अलग से, आपका वो पंजाबी वाला जो एक्सेंट आता है, मैं आई एम ऑल्सो पंजाबी, तो आपका ना मतलब वो एक्सेंट से मैं काफी रिलेट कर पाता था आपको. वो बीच में क्लास में गाना चलाना, वो गाना मुझे अभी भी याद है, वो वाला अपना टाइम वाला जो आप गाना चलाए थे. जो बहुत लोग सारी फैकल्टी ऐसे मतलब ऐसे में कोई एक फैकल्टी कोई बुरी थी या कोई अच्छी थी, सबने अच्छा, प्लस माइनस था कि किसी का अटैचमेंट कुछ पढ़ाने का तरीका हो जाता है. जैसे आपका तरीका था कि आपको बच्चों को बांध के रखना है अपने साथ की मुझे चाहिए, आपको चुटकी बजा के आपको ये मतलब कि बच्चे हो रहे हैं, एंगेज रहे सारे. तो फैकल्टी मेरे को सारी अच्छी लगी, मैं किसी के लिए ये नहीं है कि कोई. एक्चुअली डॉक्टर अमन, मेरा भी एक एक्सपीरियंस था कि अभी जो आप लोगों का बैच था ना, वेरी इंटरेक्टिंग, मतलब हर बच्चे को था कि मुझे पढ़ना है ना, बहुत बहुत. आई वाज आल्सो वेरी हैप्पी जब मैं आप लोगों के बैच के साथ था.
ओके सो डॉक्टर अमन, अभी आपको पता है कि आपके जूनियर्स जो हैं दे आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी इस जितना आपने जो भी आपने अचीव किया, एंड दोज आपके जो जूनियर्स हैं, जो यंग जनरेशन है, दोज हु वांट टू अपीयर इन द अपकमिंग एग्जाम, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर अमन? सर, मैं मेरा एक मैसेज होगा कि खाली चीजें को ग्रैब करके रखने के लिए कि बस चीजें रटने से काम नहीं पाएगा, तो चीजें बहुत कंसेप्चुअल वे में आपको समझनी पड़ेंगी। कंसेप्ट ही काफी काम आने वाले हैं बाद में, और एज अ लाइक स्टडिंग फॉर अ स्टडिंग, लाइक आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि आप चाहे रोज पढ़ो, आप लाइक ये नहीं है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, आपको अपने को भी फ्री टाइम देना है, आपको एंजॉय करना है, सही है, पर कंसिस्टेंसी रखो कि मुझे पढ़ना है। शेड्यूल शेड्यूल इज शेड्यूल नाम की कोई चीज नहीं होती, मतलब कि इतने दिन में मुझे ये करना है। आप ये रखो कि आज ये मैं कर लूंगा टॉपिक, तो मुझे फिनिश करना ही करना है। कि जैसे आज मैं पीएसएम का अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं सोशियोलॉजी करना है या मुझे कोई भी टॉपिक उठाना है, तो मुझे ये आज फिनिश करना है। और एक टाइम टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि सब्जेक्ट वाइज कि आज मुझे इतना करना है, पर एक तुम्हारी डेली लाइफ टाइम का एक टाइम टेबल होना चाहिए, मुझे आज इतना पढ़ना है और उसको कंप्लीट करना है। और कंसिस्टेंसी सर, मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अगर मैं 10 दिन पढ़ रहा हूँ लगातार, अगर एक दिन मैं नहीं भी पढ़ा तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा, पर अगर मैं ऐसे ब्रेक्स में पढ़ रहा हूँ कि आज नहीं यार कल पढ़ लूंगा, उसको तो वो आगे जाके वो बढ़ता भी रहेगा, मैटर भी मतलब ज्यादा कट हो जाएगा कि मुझे एक कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है। तो वो चीजें मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है पढ़ाई के लिए। कंसिस्टेंसी, आई एग्री डॉक्टर अमन, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें रोज पढ़ना है, रोज कुछ कुछ, चाहे नो मैटर व्हाट, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पढ़ाई, हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन यस हमें पढ़ाई की आदत में रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 या 4 दिन बहुत आराम से पढ़ते हैं, उसके बाद 2, 3, 4, 5 दिन का ब्रेक ले रहे हैं, तो जो हमारा एक टच है, जो हमारी कंसिस्टेंसी है, वो थोड़ा सा ड्रॉप हो जाती है। डॉक्टर सही अमन, एक आप मुझे मैं आपसे एक बात ये भी और जानना चाहूंगा, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग, बच्चों को आप लोग क्या बताना चाहेंगे, नोट्स से रिलेटेड आप क्या बताना चाहेंगे, ग्रैंड टेस्ट आपने कैसे दिए, थोड़ा सा इस पे भी आप मुझे बताएं। तो सर, नोट्स का ऐसे कि आपने जब जैसे मैंने ऑफलाइन क्लास ली थी तो मेरे को क्योंकि नोट्स नहीं हम लोग थे। अभी आपको वर्कबुक के साथ, शायद आपके हर बैच में हमने हर हर सब्जेक्ट की आपको एक वर्कबुक के साथ क्लास दी, हमने आपको प्रोवाइड की थी, तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, और हम आपको जीटी के लिए भी बोल रहे थे, सो आप उस पर थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे? सर फर्स्टली फर्स्ट मैं बताऊंगा, जैसे फर्स्टली हमारा वर्कबुक था, वर्कबुक क्लासेस में होता था तो उसको अच्छे से रिवाइज करना है। सेकेंडली जो ग्रैंड टेस्ट लास्ट में होते हैं सीबीटीज, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे जैसे फर्स्ट टाइमर्स, लाइक जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे एग्जाम के लिए, उनके लिए बिल्कुल नया एनवायरनमेंट होगा कि कैसे एग्जाम देना है, क्या करना है। करेक्ट सीबीटी करेक्ट वॉज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपको करेक्ट एटलीस्ट एक वो हो गया था कि आपको वहां जाके, जो एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था कि कुछ इश्यूज हो गया था मेरे को पेपर में, जो रियल एग्जाम था उसमें मेरा इश्यू आ गया था फिंगरप्रिंट का, तो मेरा फिंगरप्रिंट मैच होता, पर एटलीस्ट मैं ना थोड़ा अवेयर था कि चीजें हो सकती है। जब मैंने सीबीटी दिया था तो मैं चीजों को लेकर अवेयर था कि चीज हो सकती है, तो उस चीज से उस टाइम एंग्जाइटी ना आए, तो सीबीटी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और डीएफएक्स वी ऑलरेडी स्पोक अबाउट इट, लाइक लास्ट के टाइम के लिए काफी अच्छा है बस। गुड, सो दोस्त हु आर लिसनिंग अस, डॉक्टर अमन सेट नंबर वन इज मेंटेन योर कंसिस्टेंसी, पॉइंट नंबर टू ही सेट फोकस ऑन योर नोट्स, पॉइंट नंबर थ्री डू अटेम्प्ट सीबीटीज, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू गेट टू एक्लेमेटाइज विद वन एनवायरमेंट एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस एंड लास्ट पॉइंट ही स्पोक अबाउट डी एफ एक्स, दैट इज कंसाइज, दैट इज कंसाइज समराइज हाई यील्डिंग व्यू, राइट? सो डॉक्टर अमन, लास्ट लास्ट एनीथिंग यू वुड लाइक टू से टू योर यंग एस्पिरेंट्स, टू योर जूनियर्स? सर, यही कहूंगा कि अगर तुम जैसे स्टेज पे आ जाओ, जब लास्ट के स्टेज पे आ जाओ, जब 1 महीना रह रहा हो, तो अपने को काम रखना है ज्यादा। मतलब तुम अगर जैसे कोई जीटी भी दे रहे हो, अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कम नंबर आ रहे हैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, चिल रहना है। चिल रहने से ही दिमाग को अगर तुमने काम रख लिया तो हर चीज पॉसिबल है मेरे हिसाब से। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ऑल राइट, सो थैंक यू डॉक्टर अमन वंस अगेन, मेनी मेनी थैंक यू मेनी सो मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है? बस डॉक्टर अमन, अब मैं एक सजेशन आपको देना चाहूंगा, हाँ जी सर। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है नहीं ना? सर, ये तो सर अब एक स्टेप लिया है अभी। ये एक स्टेप है ना? हाँ अब जी आई विश यू अ वेरी वेरी गुड लक, आप बहुत सो मच। राइज करो, बहुत शाइन करो, नीट पीजी में भी ऐसे ही आपने, है ना? और फिर से मिलेंगे हम नीट पीजी के हाँ जी टाइम, सर, है ना? श्योर श्योर, थैंक चलो बच्चे, ओके बेटा, ओके यू बेटा, सो मच। टेक केयर, बाय 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 बाय।